स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बैक वेंचर पे। दोस्तों अपने पीएचडी के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी रोपर के बारे में, जो हमारे पंजाब में स्टैब्लिश है आईआईटी रोपर। अगर हम बात करें पीएचडी के बारे में, पीएचडी रिसर्च के बारे में, तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर आप पीएचडी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्या ओपनिंग डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है फॉर्म के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टाइफन मिलेगा कि नहीं, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग देखते हैं आईआईटी रोपर के बारे में। तो सबसे पहले गूगल में हम सर्च करते हैं आईआईटी रोपर। जब गूगल में आप सर्च करोगे तो आईआईटी रोपर को आपको जस्ट एक सिंपल सा वेबसाइट खुलता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। आपको इसमें इसके फुल साइट को मत खोलो, आप डायरेक्टली चले जा सकते हो पीएचडी एडमिशंस जो आपको दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक कर देना है। आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड आपको एक पेज खेलता है जिसमें लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट एंड रिजल्ट। और ये देखिए, उन्होंने एक पैम्फलेट बना के रखा है, द पीएचडी एडमिशन एट आईआईटी रोपर, एप्लीकेशन डेट ऑफ ओपनिंग 21 मार्च एंड लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 12 अप्रैल को देके रखा है। नाउ अब देखिए दोस्तों, अब स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने पीएचडी के क्राइटेरिया क्या क्या बना के रखी है, पीएचडी इन रेगुलर, पीएचडी इन एक्सटर्नल, पीएचडी डायरेक्ट, पार्ट टाइम पीएचडी, इंटरनेशनल स्टूडेंट, पीएचडी एडमिशन फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ, पार्ट टाइम पीएचडी फॉर द स्टाफ मेंबर ऑफ द आईटी रोपर एंड डेट ऑफ रिटेन इंटरव्यू टेस्ट, व्हाटएवर जो उन्होंने देके रखा है। अगर कोई भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कैटेगरी ऑफ एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में तो देके रखा हुआ है। तो देखिए अगर हम एडमिशन कैटेगरी की बात करते हैं तो ये देखिए, एडिशनल कैटेगरी ऑफ एडमिशन बात करें तो रेगुलर फुल टाइम आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर जिसमें रेगुलर फुल टाइम स्कॉलरशिप में इंस्टीट्यूशन रिसर्च आपको स्कॉलरशिप है। अगर आपके पास सीएसआईआर, यूजीसी नेट, डीएई, डीएसटी, डीबीटी एंड एमबीएचएम के अगर आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास रिसर्च फेलोशिप अंडर द प्रोजेक्ट स्कीम है, फिर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है ईआरपी, देन उसके बाद पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम है, देन पीएचडी प्रोग्राम फॉर द स्टाफ ऑफ द आईआईटी रोपर को देके रखा हुआ है। दोस्तों अब देखिए, अगर हम पीएचडी इन रेगुलर में क्लिक करोगे तो आपको ये खुलता है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग रिसर्च एरिया देके रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। फिर आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, तो यहाँ क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन तो आपको ये आप सिविल के लिए आपका एक लीड फॉर्म खुलता है, जहाँ पे आपको आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो क्रिएट और अकाउंट खोलना है। तो आप देखिए यूजर अकाउंट में क्या करना है, यूजर नेम आपका कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे पंकज कुमार मैं डाल सकता हूँ, उसके बाद ईमेल आईडी सेंड क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए हाउ टू अप्लाई में चलिए, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का बात हो गया। फिर इसका कंप्यूटर साइंस रिसर्च एरिया देके रखा हुआ है, फिर एमटेक आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो विथ मिनिमम सीजीपीए 6.5 देके रखा है। सेम आप उसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देके रखा हुआ है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ देखिए दोस्तों, आपको सारे कुछ देके रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करना है, ये सब देके रखा है। सेम उसी तरह अगर आप पीएचडी एक्सटर्नल अफेयर्स में करना चाहते हैं एक्सटर्नल, तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, गेट रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर भी। तो ये सब चीजें हैं आपको जो आपको अप्लाई करना है। अगर हम इसके डेट्स एंड रिटेन टेस्ट इंटरव्यू की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेटलर्जी इंजीनियरिंग है तो 6 मई से तो आपको 20 मई तक हो सकता है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटेन टेस्ट इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने देख रखा है। कंप्यूटर साइंस के हैं तो 24-25-26 मई को हो सकता है, केमिस्ट्री 24-26 मई, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 17-18 हो सकता है, ये सब फिजिक्स के लिए भी देख रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देखे उन्होंने रखा हुआ है, तो डेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट करके रखा हुआ है। तो सब देखिए, हम पीएचडी पे फिर से क्लिक करते हैं तो हम जाते हैं यहाँ पेज पे, फिर पीएचडी प्रोजेक्ट स्टाफ सब कुछ उन्होंने देख रखा है और ये कैटेगरी आपने देख लिया। तो अगर आप इसमें सोच रहे हो कि अप्लाई करने के लिए, तो 21 अप्रैल से पहले आप इसमें, सॉरी 12 अप्रैल से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी, अगर हम न्यू आईआईटी की बात करें तो ये पीएचडी में नंबर वन है, एनआरएफ रैंकिंग भी इसकी अच्छी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है हमारी इन्फॉर्मेशन को। थैंक यू।